नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि मेरा जो मुख्य उद्देश्य रहता है कि मैं अपने देसी वैरायटियों, देसी वनस्पतियाँ हैं उनकी कई सारी वैरायटियों को खोजने का, उनको उगाने का, आप लोगों को भेजने तक का काम करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे की पहचान कराऊँगा जो हमारे दांतों के लिए, जिसको वज्रदंती बोलते हैं। आपने जो हमारी वीडियो जाएंगे उसका मैं लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी क्लिक दे दूंगा कि पीली वज्रदंती और पीली वज्रदंती जिसको पिया वासा बोलते हैं उसकी पहचान करा चुका हूँ। सफ़ेद वज्रदंती की पहचान करा दिया है। और इसी में दोस्तों, आज जो है मैं एक जगह आया हूँ तो वहाँ मैं आपको लाल वज्रदंती, जिसमें लाल पुष्प आते हैं, तो लाल वज्रदंती की पहचान करा रहा हूँ। इसकी पत्तियाँ जो खाने में मीठी होती हैं और जो लील गाय या नील गाय जो एक जानवर होता है वो इसको खा जाता। हर वज्रदंती में अलग अलग समय में अलग अलग पुष्प आते हैं। जैसे पीली वज्रदंती में जो आता है बसंत ऋतु में पुष्प आता है अभी, और बसंत ऋतु पहले सफ़ेद वाली वज्रदंती में पुष्प आता है। इस समय जो भी पुष्प आए वो लाल पुष्पों वाले अधिकतर पुष्प होंगे, तो उसमें लाल वज्रदंती। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको इसकी पहचान कराता हूँ, पहचान कर लीजिए। और इन पौधों को जो है अधिक से अधिक लगाने का और इनको बचाने का प्रयास करिए। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको लाल वज्रदंती की पहचान करता हूँ। सेम जो है इस तरीके से पौधा होगा जैसे वज्रदंती का पौधा, तो पौधा थोड़ा ये छोटा होता है। और दोस्तों, इसका तना देखिए गोल, पत्तियाँ आमने सामने से जिस प्रकार की वज्रदंती की पत्तियाँ होती हैं उसी प्रकार से इसकी पत्तियाँ होंगी। पत्तियों पर जो है इस तरीके से धारियाँ होती हैं, देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों। क्योंकि हर जगह अपने भारत देश में अलग अलग मिट्टी, अलग अलग पौधे, अलग अलग वैरायटियाँ हर जगह उगती हैं। और इसका पुष्प देखिए सेम जैसे वज्रदंती का पुष्प होता है उसी तरीके से देखिए, ये आप देख लीजिए जिस तरीके से वह आपको क्लियर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे वज्रदंती, पीली वज्रदंती होती है, सफ़ेद वज्रदंती होती है, उसी प्रकार इसका पुष्प होता है ये इस टाइप से। और ये देखिए मंजरी जो निकलती है इसमें इस टाइप से, जैसे वज्रदंती या पीली और सफ़ेद के होते हैं, तो इसमें लेकिन दोस्तों कांटे नहीं होते हैं, हल्के हल्के रोए होते हैं, पौधा भी छोटा होता है। और इस तरीके से दोस्तों इसके पुष्प आते हैं। जहाँ से पुष्प निकलेगा, जो पत्तियाँ निकलेंगी आमने सामने, वहीं से पुष्प की कली भी जैसे इस प्रकार लगी हुई है, इस तरीके से पुष्प की कली। और पुष्प देखिए एकदम वज्रदंती, एक पंखुड़ी नीचे और चार पंखुड़ी जैसे इसमें ऊपर लगी हुई है, इसी प्रकार से पीली वज्रदंती में पुष्प आता है। इसको जो दोस्तों जानवर खा जाते हैं ऊपर ऊपर, क्योंकि ये जाड़े के सीजन में लगता है। जो प्रकृति जिस समय हमको जो चीज़ देती है उसी हिसाब से वो चीज़ जो है हमारे शरीर के लिए भी अनुकूलित होती है। तो यहाँ दोस्तों हमको आज जो है ये लाल वज्रदंती, ये दांतों के अलावा अन्य रोगों में भी काम करेगी। लेकिन दोस्तों जो है ये सब आजकल दुर्लभ पौधे हो गए हैं, ना मिलते हैं ना इनकी औषधियाँ मिलती हैं। हमें अपनी इन देसी वनस्पतियों को बचाने का, इनको उगाने का, अधिक अलग अलग क्षेत्रों में काम करना चाहिए और जो है इनके गुण उपयोग के बारे में जानना भी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको पहचान गए होंगे। यहाँ पे कुछ पौधे मुझको दिखे, अब मैं इनको जो है संरक्षित कर, इनको जो है अपने कलम से या फिर सीड्स तो इसमें नहीं मिलते, क्योंकि नीलगाय आती है, यहाँ पूरा जंगल है, नीलगाय आती है तो नीलगाय इनको खा जाती है। तो इसमें इसलिए हमने दो साल से देख रहे हैं, लेकिन इसमें बीज तो नहीं मिलते। लेकिन कलम से या किसी भी तरीके से इनको लगाने का प्रयास करूँगा और आप लोगों तक पहुँचाने का भी प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज मैंने आपको लाल वज्रदंती की पहचान कराई, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।